नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के कस्बा मक्खू के डॉक्टर रंजीत सिंह चौक में गत रात्रि भरे बाजार में चली गोलियां, एक राहगीर गोली लगने से हुआ घायल। तरनतारन के पट्टी क्षेत्र के गांव ठकरपुर में चर्च में हुई बेअदबी की घटना को लेकर जालंधर बिशप हाउस में सैकड़ों की संख्या में क्रिश्चियन भाईचारे के लोग हुए इकट्ठा, कैंडल मार्च निकालकर किया रोष प्रदर्शन। श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर में श्री राधा अष्टमी उत्सव का किया गया आयोजन, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। जीरा के कस्बा मक्खू के डॉक्टर रंजीत सिंह चौक में गत रात्रि भरे बाजार में ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि गत रात्रि दो कार सवार लोगों में आपस में हुई तकरार के दौरान गोलियां चल गई, जिसमें यह गोलियां सामने बनी मीट के खोखे के अलावा नई बन रही दुकानों में लगी। वहीं इस वारदात के दौरान मौके पर सड़क से गुजर रहे एक राहगीर को गोली लगने का भी समाचार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा पलविंदर सिंह ने बताया कि गत रात्रि मक्खू में दो कार सवार लोगों में क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें सफ़ेद रंग की ब्रीजा कार जो कि मेन रोड से बाजार की तरफ आ रही थी, इस दौरान रास्ते में एक काले रंग की क्रेटा कार उनका इंतज़ार कर रही थी। नज़दीक आते ही दोनों कार सवार लोगों में फायरिंग हुई, जिस दौरान मौके से गुजर रही एक i20 कार चालक को इस क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लग गई, जिसका इलाज मोगा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की ओर से मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बिना नंबर की सफ़ेद रंग की ब्रीजा कार बरामद कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मैं रेडी बंद करके जैसे बैठा ऐसी मौजूदा तो उतो मैं अपना पक्खा लेने गया, ही मैं बाहर पक्खा रखा, पक्खा रख के मैं अंदर अजे आया नहीं, अंदर आना सी, अही सोचा कि पटाके चल रहे नहीं, वह पटाके नहीं, वह गोली बड़ी तेज सी, बंद नहीं पता किन्ने से किन्ने नहीं, उन्होंने इन्ने वाह फायरिंग की, उन्होंने ये नहीं वेख्या ना कोई अगर ना पिछा भी कोई बंदा आ रहा या जा रहा, बस ये उन्होंने अन्ने धार गोलियां चलाईया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की किसी चीज़ की, यह नहीं पता जनाब, यह नहीं असं वेख्या जी चीज़ वेखी तुम दस सकते, क्योंकि अभी तो अपनी जान बचाई बड़ी मुश्किल, लोग लड़का सी अपना, इनू असं इतने पकौड़े कड़ा ही परले बन्ने धक्का मारे, मेरे चाचा ही अभी सारे उधर वड़ गए, तो जाना बचाई सर नहीं पता गड्डिया किनिया ही किनिया नहीं ना सी, हाँ जी बजिया साढ़े कोके तीन गोलियां बजी जी, वो जो गड्डिया क्रॉस फायरिंग हुई है, एक वाइट रंग की ब्रीजा सी जी मेन जी टी रोड वालों बाजार वालों आई सी, एक ऑलरेडी कार जी सी ब्लैक कलर की रेटा वो वेट कर रही थी, दोवें क्रॉस फायरिंग हुई सी, दोवे गड्डिया जीडिया है अपन भजा के लै गए, वो एक आदमी होर से i20 के उत्ते, क्योंकि उत्तर सामने मीट शॉप है, लोग उत्तर मीट वगैरह खाने आते हैं, तो वैसे भी उत्तर आवाजाई रही है, वो उतों लंघ रहे थे क्रॉस फायरिंग जोड़ा एक फायर वो एक बंद से लगा है गर्दन से, एक थम्बी बखी से वो मेडिसिटी हॉस्पिटल मोगे दाखिल है, वो वक्री जी है आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये क्योंकि दो पार्टियां सामने नहीं आई, पर सानू जी है एक गड्डी जी है ब्रीजा वो रस्ते जो मिली हैगी है, वो असं भी वर्क कर रहे हैं, वो साइंटिफिक जो सारे एनालिसिस करके असं तक पहुँच। बीते दिनों तरन तारण के पट्टी के गांव ठकरपुर स्थित चर्च में मां मरियम की मूर्ति खंडित करने और गाड़ी को आग लगाने की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है, जिसे लेकर जालंधर बिशप हाउस की कैथोलिक चर्च में सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियन भाईचारे के लोग इकट्ठा हुए, जहां सर्वप्रथम पट्टी मोड़ चर्च में हुई बेअदबी को लेकर प्रार्थना की, फिर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहर की मुख्य सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रोष जाहिर करते हुए वापस चर्च में आकर प्रदर्शन खत्म किया। इस दौरान बिशप हाउस कैथोलिक चर्च के फादर एंथनी ने बताया कि अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए कैंडल मार्च निकाल वे अपना रोष जाहिर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं और कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। खास बातचीत करते हुए चर्च कमेटी की वकील सदस्य एंजेलिना बराड़ ने बेअदबी के आरोपियों को
अगर पुलिस ने जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपना न्याय वहां से करवाएंगे। धर्म परिवर्तन मामले पर उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन जबरन करवाता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था देश में है, लोग वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें और कानून अपना काम करके आरोपी को सजा देगा। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन भाईचारे के लोग ऐसा कुछ नहीं करते और ना ही किसी को कोई लालच दिया जाता है और ना ही रुपए देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो मकसद नाल आसी आज ये कैंडल मार्च रखी आप एक दो जैसे आपने बोला ये साढ़े लिए एक प्रोटेस्ट प्रगटावा करने का एक तरीका है। असी मसीह लोग खास तौर पर साढ़े प्रोटेस्ट प्रार्थना के नाल करते हैं। असी आज जी उन्होंने लिए प्रार्थना किया है जो साढ़े प्रभु यीशु मसीह का बेइज्जती किया है, साढ़े चर्च के विच आके साढ़े प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को तोड़ फोड़ किया है, साढ़े फादर जी का गाड़ी जलाया है। असी उन्होंने लिए आज प्रार्थना किया है कि उन्होंने मन के परिवर्तन आवे ताकि असी उन्हें भविक के इस तरह दिया बुरिया काम कोई धर्म के नाल ऐसा ना करे। क्या लगता है कि तीन लोग थे जिन्होंने ऐसा बेइज्जती करने की घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है कोई इसमें भी किसी धर्म की वजह से ही ये जो मैं विश्वास नहीं करता। मैं यही सोचता है कि कोई शरारती लोग साढ़े धर्मां दे आपस विच लड़ाउन दे लिए साड़ी जो शांति है जो भाईचारा है उन्होंने थोड़न दे लिए सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स ने एक किया होंगे। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है और खासकर अगर धर्मों की बात की जाए सभी धर्म है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं कि अकेले आपके और भी कई धर्मों में बेअदबी हुई है और कई लोग जो पकड़े भी जा चुके हैं उसके बाद भी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाता कि इन लोगों के पीछे कौन है, कौन ये करवाता है। ये तो अभी मैं भी नहीं बोल सकता, पुलिस डिपार्टमेंट इसका खोज कर रहे हैं तो असी पूरा विश्वास करते हैं कि उन लोग इसके लिए जल्दी तो जल्दी जो भी इसका जो गुनहगार है उनको कानून के नाल उन्होंने बाहर लिखेंगे। बातचीत क्या हुई है अभी तक, क्या क्या जा रहा है? सानू समय समय पर उन्होंने दिलासा दिया है कि जल्दी तो जल्दी जो जिन्होंने भी जो कल्प्रिट्स है उन्होंने गिरफ्तार किया जाएगा। पता लग पाया कि कौन लोग थे? नहीं अभी तक कुछ नहीं पता। क्योंकि एक विवादित जो अभी तक बयानबाजी भी होनी शुरू हो गई है धर्म को लेकर, खास हुई है तो लालच को देखकर धर्म बदलने धर्म परिवर्तन की बातें सामने आने लगी हैं, इस पे क्या कहना है? देखो मैनू कैथोलिक कलीसिया के बारे में बोल सकता है, तुसी देखे इन्ने सारे लोग हैं किसी ने भी तुसी पूछो जे असी 5 रुपया भी उनको दिया उनका धर्म बदलने के लिए नहीं है। कैथोलिक चर्च के विच एक मसीह बनन लई 3 साल का ट्रेनिंग की जरूरत है। असी किसी ने ऐसे बपतिस्मा नहीं देंदा, साडे धर्म की जो तलीम है वो सीखना पड़ता है। तकरीबन 3 साल की ट्रेनिंग है उसके बाद ही एक इंसान कैथोलिक कलीसिया विच मेंबर बनते हैं। इल्जामों का सिलसिला जो लगातार चल रहा है, पहले सिख धर्म की तरफ से इल्जाम लगाने शुरू किए, फिर आपके जो पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं आपसी जो मतभेद है वो उत्पन्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी धर्म को लेके कई बार राजनीति हो चुकी है लेकिन अभी तक जो है मामला ठंडा होने पर नहीं आ रहा, इसके बारे में? इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता है, तो हर एक का सोच है, कई लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं ये कहना कि मिसअंडरस्टैंडिंग नूं दूर करे अते हर चर्च दे विच किस तरह मैंबर बनते हैं और मसीह लोगों की जिंदगी कैसे है ये सब नेड़े आके देखण दे नाल सानू पता लगता है कि जिस तरह जो इल्जाम लगाया है उदे विच कोई सच नहीं है। मेरे ख्याल ऐसा कोई कैथोलिक चर्च दे विच कोई ऐसा सानू दोषी नहीं ठहराएगा अते मैं ये चैलेंज कर रहा जो कोई भी ऐसे साढ़े ऊपर अपनी उंगली उड़ा तो सानू कानून के सामने लेके आओ। तो मैं निरसंदेह बोल रहा कि साढ़े चर्च कैथोलिक चर्च के विच असी इस तरह दिया फोर्सफुल कन्वर्शन के खिलाफ है अते असी ये कभी भी नहीं करते हैं और कन्वर्शन हर एक इंसान की निजी पर्सनल चॉइस है तो असी इस तरह फोर्स करना और कोई चीज़ें लेके उन्होंने अट्रैक्ट करना ये नहीं है साड़ा रीति रिवाज। मैम आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्रिश्चियन भाईचारे की तरफ से क्योंकि तकरीबन जहाँ बेहद भी हुई है दुर्घटना घटी वहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी जलंधर में किया गया है, तो
क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है आपकी प्रोटेस्ट करने के पीछे? हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि जिन्होंने वहाँ पे बेअदबी की है सबसे पहले तो उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी धर्मगुरु, किसी भी प्रभु जिसको हम ध्याते हैं उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो जो उनके लोग हैं मानने वाले उनकी भावनाएं आहत होती हैं, और उस जो लोग इसके जिम्मेदार हैं सबसे पहला काम है उनको पकड़ा जाए। क्योंकि आप खुद वकील हैं और आप खुद इस केस को देख भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो ऐसी जो हरकत करते हैं, क्या ये इसमें कोई राजनीति है या ये जो सोचा समझा प्लान? देखिए, जिसने काम किया है, क्राइम कमिट किया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो योजना होगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, साजिश भी हो सकती है, पर जो लोग करने वाले हैं ये वही बता सकते हैं क्या है। हमें तो इससे मतलब है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे पुलिस उसका पता लगाए, अगर उसका फायदा उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है, अगर कोई भी वारदात होती है तो बहुत लोग गलत भी होते हैं, एंटी चलने वाले भी होते हैं, तो उसका काम जो है वो पुलिस का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है पता लगाना। हमारी तो डिमांड ये है कि जो लोग हैं इसके जिम्मेदार, जिन्होंने ये काम किया है, एक तो वो लोग और जो उनके पीछे हैं, वो जो पता करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो पुलिस का काम है। देखिए, इल्ज़ाम तो किसी पे भी आजकल लगाया जा सकता है, आजकल मीडिया बहुत तेज़ है इसके लिए, सोशल मीडिया है, लोग एक्टिव हैं, पर बात यह है कि इल्ज़ाम सच्चाई नहीं होती। सच्चाई के लिए हमारे पास कानून व्यवस्था है, अगर किसी को कोई इतराज़ है कि फोर्सिबल कन्वर्शन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, तो हमारी न्याय व्यवस्था उसमें है, काबिल है, उसको पकड़े और उस पर जिम्मेदारी जो बनती है, जो कानून के तहत आता है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम कभी भी फोर्स्ड कन्वर्शन के पीछे जो नहीं है और ना ही ये हो रहा है। एक और चीज़ है, अगर हम सोचें तो किसी का भी धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं किया जाता, ये मन की बात है, ये विश्वास की बात है। किसी को आप जितने मर्जी पैसे दे दो वो धर्म नहीं बदलेगा, और ईसाई धर्म में तो हम लोग प्यार देते हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं सब। जब जो कोई आता है यहाँ पे प्रभु से आशीष लेने के लिए आता है, यहाँ हमारे पास या हमारे ईसाई जो भाई बहन हैं वो खुद गरीब हैं, वो क्या किसी का धर्म परिवर्तन करेंगे? और जो हमारे पास्टर हैं, जो हमारे फादर साहिबान हैं, वो खुद घर छोड़ के सेवा करने के लिए आए हैं, उनके पास कहाँ से इतना पैसा आया कि वो जाके धर्म परिवर्तन करें? धर्म जो है ये एक हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल राइट है, और एक संवैधानिक अधिकार है हर एक के पास, वो जिस मर्जी धर्म को अपना सकता है। बिल्कुल, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती या कोई नतीजा इसमें नहीं निकलता तो हमारे पास न्याय व्यवस्था है, अदालत का दरवाज़ा भी खटकाएंगे, पर हमें उम्मीद है कि पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे। तो वो तो काम पुलिस का है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पुलिस से सवाल करने चाहिए कि क्यों नहीं पकड़े गए। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर राधा माधव संकीर्तन मंडल जालंधर की तरफ से द्वितीय वार्षिक उत्सव श्री गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से पारद्वेश्वर सिद्ध पीठ श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर के राज हाल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, लीडर वॉल्व्स की मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णिमा बेरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले करवाए गए हरि नाम संकीर्तन में राधा माधव संकीर्तन मंडल की रसिक जन ममता सयाल, स्वामी भक्ति सागर शास्त्री, दुर्गेश शास्त्री व उनकी टीम के सदस्यों ने श्री राधा कृष्ण के मधुर भजनों से भक्तों को भक्ति रस से सराबोर किया। इस मौके पर पार्षद सुशील शर्मा, हितेश सयाल, चेयरमैन श्यामलाल शर्मा, प्रधान सुभाष शर्मा, अजय जोशी, एसके मित्तल, रमेश सहगल, टीआर टंडन, अनिल शर्मा, रविंदर ठाकुर, हुकम चंद, बिट्टू, अशोक अरोड़ा, बलदेव सिंह शर्मा, प्रीतम चंद सैनी, संजीव शर्मा, मधु शर्मा, प्रेमलता वशिष्ठ, मधु शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन सुरेंद्र बाबा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश स्थित माता चिंतपूर्णी के दरबार में दो अलग अलग श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में सोना और चांदी अर्पित की है। श्रद्धालुओं ने मुकुट, छत्र और बर्तनों के रूप में यह दोनों धातुएं मां के पावन चरणों में अर्पित की है, जिसमें एक श्रद्धालु द्वारा सोने का मुकुट और चांदी का छत्र चढ़ाया गया और दूसरे श्रद्धालु द्वारा लगभग 3 किलो 881 ग्राम चांदी के बर्तन मां के चरणों में अर्पित किए गए हैं। दोनों ही भक्तों ने यह वस्तुएं गुप्त दान में मां के दरबार में अर्पित की हैं। दोनों ही श्रद्धालु पंजाब के निवासी बताए गए हैं। जालंधर से आए श्रद्धालु ने लगभग 117.490 ग्राम का सोने का मुकुट और 641 ग्राम का चांदी का छत्र मां चिंतपूर्णी के दरबार में अर्पित किया है। वहीं दूसरे श्रद्धालु ने गुप्त रूप से चांदी का थाल, चांदी की 5 कटोरी, चांदी के 2 चम्मच और चांदी का 1 गिलास चढ़ाया। मां चिंतपूर्णी के प्रति भक्तों की आस्था इसी से पता चलती है कि यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं और सोने चांदी के साथ लाखों रुपए नकद चढ़ावा भी चढ़ा जाते हैं। इससे पहले भी कई श्रद्धालुओं द्वारा मां के दरबार में सोना, चांदी और गाड़ियां तक भेंट की गई हैं। मंदिर अधिकारी बलवंत ने बताया कि पहले भी श्रद्धालु मां के दरबार में सोने चांदी के गहने, मुकुट, छत्र और अन्य वस्तुएं चढ़ाते रहे हैं। वहीं शनिवार को पंजाब से आए 2 श्रद्धालुओं में से एक ने 117 ग्राम से ज़्यादा सोने का मुकुट और 0.5 किलो से ज़्यादा चांदी का छत्र महामाई को भेंट किया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब से ही आए एक अन्य श्रद्धालु ने मां को करीब 3 किलो 881 ग्राम चांदी के बर्तन भेंट किए हैं। आज सुबह मंदिर परिसर में श्रद्धालु ने एक छत्र 0.5 किलो से ज़्यादा और एक सोने का मुकुट चढ़ाया है। पंजाब के हैं सुरेश कलीपुरिया जी, तो एक साथ के साथ ही चांदी का बर्तन, थाली और पूजा कर वो चढ़ी है। तो बहुत बड़ी आस्था को देखते हुए माता चिंतपूर्णी की मनोकामना पूर्ण करें। वैसे पूर्व में भी ऐसा काफ़ी श्रद्धालु, बड़े बड़े डोनर जो हैं उन्होंने गाड़ी तक डोनेट की है, तो इसके लिए माता के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। विदेश में रहकर भी बच्चों के भविष्य को संवारने वाले मेहंदी रत्ता परिवार से ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदी रत्ता की तरफ से शुरू की गई बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 33वें दिन प्रसिद्ध समाज सेवक प्रमोद मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से NRI भाइयों के सहयोग से मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाली 80 के करीब छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला, भाजपा के पूर्व जिला प्रधान रमेश शर्मा, समाज सेवक राकेश कश्यप ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने कर कमलों से छात्राओं को छात्रवृत्तियां भेंट की। इस दौरान उन्होंने मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्तियों जैसे कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, पवन हंस, वेद कुमार शर्मा, प्रमोद मेहंदी रत्ता के भाई समाज सेवक रविंदर मेहंदी रत्ता, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा डोगरा, अनमोल निखिल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। और जेने के प्रमोद जी दे एक मोटिव लेके चले आ और उदा काम नो इंडिया संभाल रहे ने। आज किसी दे कोल किसी दे टाइम नहीं है ना। और तुसी देखदे हो कि हर कोई आदमी आपको अपने कम्मां च इन्ना रुझ गया उन किसी दे लई टाइम नहीं। और आपां जिहड़े आ जो बच्चे बैठे होंगे तो ये देखो कि भी जो भी मापियां नूं पुछदे हो कहिंदे न्याणे पढ़ाने बड़े औखे आ, न्याणे पढ़ाने बड़े औखे आ, पर यह काम सौखा काम नहीं। पर वो अपने इत्थे तो दो दो न्याणे पढ़ाने बड़े औखे आ, पर 600 बच्चों नूं जिहड़ा आ उन्हां दी मदद करन लई तुरे आ। ये बहुत वड्डा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। राशि के रूप से की चीज़ देंगे वो अलग तरह की है, पर अगर इन छोटी जी अमाउंट में भी गिनी है तो जो 600 के नाल गुणा करांगे तो फिर वो राशि का अमाउंट कितनी बढ़ती है वो देख। और साढ़े को अपने लिए भी टाइम नहीं होता, अपने बच्चों को भी नहीं असं देख सकते। और ये प्रमोद जी उत्थे बाहर बैठे भी अपने देश के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। सो मैं उन्होंने दिल दी गहराइया तो धन्यवाद भी करता, पर इकला थोड़े लिए
या बच्चों लिए काम कर रहे इन्ना ही नहीं, गरीब बच्चों की सेवा जड़िया बच्चिया की शादी के उत्ते भी अपना योगदान देंगे, जोड़े घर बहुत ज़्यादा गरीब है उन्होंने महिलावान उन्होंने बजुर्गों जोड़े है पेंशन का भी काम कर रहे, और कला इन्ना ही बहुत व्डा है कि भी इन बच्चियों पढ़ा है बहुत व्डा काम, पर उत्थे नाल नाल बाकी काम भी कर रहे, एक बहुत शलाघायोग काम है। तो मैं तो दिल दिया गहराइया तो इन्हों का धन्यवाद भी करना, और धार्मिक भावना भी जोड़ी जोड़ के रखते हैं, सानू धार्मिक के नाल भी जोड़ के रखते हैं। अज मैं साढ़े बच्च श्री विजय कुमार सांपला जी अपने एससी कमीशन भारत सरकार साढ़े को साढ़े दफ्तर पधारे है, खास तौर पर बच्चों जी छात्रवृत्ति दे रहे थे, जहाँ जो दो महीने तो लगातार बच्चों छात्रवृत्ति देने का प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने अज उन्होंने शामिल होए है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी जी दो महीने जी मुहिम चल रही बेटी पढ़ाओ सरकार की मुहिम, जोड़े साढ़े छोटे भाई प्रमोद कुमार जी एन आर आई वो जो मुहिम मतलब चला रहे थे, मैं कहूँ अच्छे साढ़े को जो 6000 बच्चों ने जहाँ ने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे उन्होंने साढ़ा कोई 36वां 37वां दिन सगा, जिन्हें बच्चों अं 35 के करीब बच्चों का साढ़ा जो बच्चों मैं क्या मोटीवेट कर चुके हैं, वो जी शुरुआत सी खास तौर पर साढ़े बाऊ शीतल भीर जी दैनिक सवेरा के प्रबंधक और श्री देवी तलाब मंदिर कमेटी के प्रधान उन्होंने जी मुहिम की शुरुआत की सी, और अज मतलब कि लगातार जोड़ा उन्होंने मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता खास तौर पर श्री बाऊ शीतल भीर जी का, जिन्होंने जोड़ी शुरुआत की अब बड़ी सफलतापूर्वक आज लगातार 36-37 दिन के अंदर तक सूँ कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने मतलब जी सू रूपरेखा गाइड करके गए थे मुताबक बड़ी सफलता के नाल साढ़े छोटे भाई प्रमोद कुमार जी का मतलब क्रम जोड़ा रोज़ डे बाई डे चल रहा है बच्चों मोटीवेट कर, और मैं साड़ी गांव शायद लगता कि सू महीना के तो तकरीबन लगभग मतलब बाकी बच्चों भी मोटीवेट कर टाइम लगना, तो बाकी मैं भरोसा दवाना बाकी बच्चों भी उन्होंने छेती छेती मोटीवेशन कर दिता जाऊगा। जय हिंद। अड्डा होशियारपुर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लक्कड़ मंडी पुरानी रेलवे रोड में विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी की चौकी करवाई गई। इस माता की चौकी में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विच, समाज सेवक नीरज मित्तल, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, पूर्व मंत्री अवतार हैनरी, विधायक बाबा हैनरी, मेयर जगदीश राज राजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस माता की चौकी में गायक प्रदीप पुजारी एंड पार्टी व प्रवीण लक्की एंड पार्टी ने माँ त्रिपुर मालिनी का गुणगान कर सभी भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर समाज सेवक राजू मखीजा, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, अजय लाली, समाज सेवक दविंदर अरोड़ा, प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल के प्रधान यादव खोसला, प्रधान जगमोहन सिंह खोसला, कैशियर दिनेश कत्याल, उप प्रधान अजय बेदी, प्रेस सचिव मुकेश ठाकुर, विशाल बमोत्रा, नवदीप बाबा, लाली सहगल, संजीव भाटिया, राजेंद्र सग्गू, सुनील भाटिया, दविंदर सिंह, हेमंत बमोत्रा, विपुल और अर्जुन मल्होत्रा इत्यादि सोसाइटी के सदस्यों ने आए हुए माँ भक्तों को माँ की चुनरी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
अमृतसर के वेरका क्षेत्र में समाज सेवक करण वेरका द्वारा इलाके के जरूरतमंद लोगों को बेड, सिलाई मशीनें, प्रेस और विकलांगों को व्हीलचेयर इत्यादि का सामान बांटा गया। इस अवसर पर वाल्मीकि धूना ट्रस्ट के बाबा मलकियत नाथ और ओम प्रकाश गब्बर को करण वेरका की ओर से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं इस मौके पर करण वेरका ने कहा कि जो काम सरकार नहीं कर रही वह उनकी संस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम वे आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे उन्हें सहारा मिल सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं करण वेरका प्रधान टूना ट्रस्ट वालों अज विधवा औरतों नूं फोल्डिंग मंजे ते भैणा नूं सिलाई मशीनां ते प्रेसां हैंडीकैप नूं व्हीलचेयरां वंडियां गईयां ने। मैं सारयां नूं अपील करदा वां कि लोड़मंद लोकां दी वध तों वध मदद कीती जावे जो कि उहनां नूं वी सहारा मिल सके साडे भरावां वर्गा। ते मैं हर एक नूं बेनती करदा वी जिथे भी कोई लोड़मंद लोक देखदे जां मिलदे तुहाडे कोल आउंदे आ उन्हूं प्यार ना भा के जिनी भी सेवा जोगे तुसी हैगे जे उन्नी जरूर करो। बाकी मैं अज सतगुरु मलकीन नाथ जी गद्दी नशीन टूना ट्रस्ट वालों ते नाल संत बलवंत नाथ जी वालों ते नाल संत राकेश नाथ जी वालों ते ओम प्रकाश गब्बर जी चेयरमैन वालों ते बिट्टा प्रधान जी वालों ते शमशेर सिंह मूदल ते विक्की जैलदार जी वालों आने लई बहुत बहुत धन्यवाद करदा वां। बाकी जिन्ना तक मैं जीऊँगा उन्ना तक लोगों की मदद करता रहूँगा। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। अज जो करण वेरका ने साध संगत की सेवा का बीड़ा चुकया वा परमात्मा वाल्मीकि महाराज गाड़ी प्रयास करते हैं कि इन्हों चढ़ती कला वाले पासे लैके जाना। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। मशीन प्रेसा फोल्डिंग बैड की सेवा निभाई है। बहुत वधिया गल है भी सहारिया का सहारा बनना। असी भी अरदास करते भगवान वाल्मीकि महाराज तुहाडा वंश इस तरह ही साध संगत की भैणा की सेवा करता रहे। नारी शक्ति वो नारी शक्ति है जिहदे तो बगैर किसी जंग दे विच कदी फतेह नहीं हुंदी। असी अरदास करते हैं करण वेरका चढ़दी कला वाले पासे रहे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। अमृतसर के मंदिर शिव धाम बाबा स्वरूप दास जी में मूर्ति स्थापना दिवस और राधा अष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता और पूर्व विधायक प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला द्वारा माथा टेक प्रभु का आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान प्रमोद भाटिया और वीना भाटिया ने आए मेहमानों को माता की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक संजय सावरिया, कुमार अश्वनी, नीरू भाटिया और आकाश ने भजनों का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। मंदिर कमेटी के प्रधान प्रमोद भाटिया ने कहा कि इस मंदिर में आज के दिन सन 1999 में स्थापना हुई थी और इस मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से हाजिरी भरता है उसकी सब मुरादें पूरी होती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज श्री राधा अष्टमी उत्सव है। आज के दिन ही मंदिर का मूर्ति स्थापना हुई सी। 1999 इस मंदिर का जोड़ा स्थापना होया सी क्योंकि पहले एक छोटा जिहा मंदिर सी, दो पिंडियां सी इत्थे, फिर मंदिर का विस्तार होया जिहदे विच राम दरबार, शिव परिवार, शिवलिंग, माता वैष्णो देवी, श्री कृष्ण दादा जी अते पिंडियां दा विस्तार है। सारे देवी देवता, सब ग्रह देवता इत्थे विराज ने क्योंकि इस मंदिर दे विच जिहड़ा हाजरी भरदा उहदियां सब मनोकामना पूर्ण हुंदियां।
अज असी 23 साल तो इस मंदिर के उत्सव बड़ी धूमधाम ना आ रहे हैं। मेरे नाल एक मेरे गली महला मेरे सारे परिवार मेरे अपने ने सारे जेडे इस मंदिर के अपना हाजरी भरन आते हैं, उन्होंने सब मनोकामना पूर्ण होंगी है विश्वास नाल। अगर जो विश्वास ना असी इतने आने ना तो कहते धन्ने भगत ने पत्थर जी भी भगवान को पैदा कर लिया जी। सो इतने तो खुद परमपिता परमात्मा आप विराज है। सो अज के उत्सव के मैं तुम्हें सबनों बहुत ज़्यादा बधाई देना, खास करके हलचल चैनल या दूसरे जो चैनल ने इतने आते हैं वो भी अपनी हाजिरी भरते हैं। मैं उन्होंने भी इस उत्सव से बहुत बहुत बधाई देना। जय श्री राधे। लोक जन सेवा सोसाइटी गुरु नानकपुरा वेस्ट की ओर से 20वां वार्षिक माँ भगवती का जागरण भारत नगर मार्केट गुरु नानकपुरा वेस्ट जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विच विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सोसाइटी के सदस्यों ने मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। इस मौके पर राजू मदान, सोसाइटी सदस्य दीनानाथ, नरेश वर्मा, बबलू सोनी, शैलेश कुमार, राजू, कमलेश, विजय राज त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन वर्मा की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी पंजाब और अलग अलग धार्मिक जत्थेबंदियों की भगवान वाल्मीकि प्रगट उत्सव और विशाल शोभा यात्रा को लेकर विशेष मीटिंग सर्किट हाउस जालंधर में पूरे समाज के साथ की गई, जिसमें खास तौर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को जालंधर के बस्तियात क्षेत्र में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अगले दिन 8 अक्टूबर को जालंधर शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 9 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव जालंधर कैंट में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा दरमियान जालंधर शहर के सभी शराब के ठेके और मीट की दुकानें बंद की जाए, अगर कोई दुकान नहीं बंद होती तो उसका जिम्मेदार जालंधर प्रशासन होगा। अगर शोभा यात्रा में भी कोई पुख्ता इंतजाम ना किए गए तो अगले साल से प्रशासन से मीटिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे समाज की ओर से एक मांग पत्र पुलिस प्रशासन को दे दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सभी धार्मिक जत्थेबंदियों का दिल से धन्यवाद प्रकट किया। इस मीटिंग में DCP जगमोहन सिंह, राष्ट्रीय प्रधान चंदन गरेवाल, प्रधान पवन बाबा, भगवान वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी पंजाब प्रधान सोमा गिल, चीफ पैटरन राजेंद्र सब्रवाल, चीफ पैटरन विनोद जोशी, चेयरमैन जस्सी तल्लन, वाइस चेयरमैन नवल किशोर, पंजाब वाइस प्रधान अरुण कुमार मणि, जनरल सेक्रेटरी रिंकू बैंस, चेयरमैन टीटा साई, शहरी प्रधान रॉकी मनचंदा, शहरी वाइस प्रधान मणि यादव, जनरल सेक्रेटरी सनी गरेवाल, कैशियर सोनू नाहर, गौरव शर्मा, राजन राजपूत, लक्की गिल, गगन गिल, शिवम संगोत्रा, अमृत खोसला, प्रदीप शिवसेना, टक्साली, बंटी कुमार, ऋषि सहोता, विजय अटवाल, गोरा थापर, गोलू हंस,
दीपक बावा सहित वाल्मीकि समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये प्रबंधा लैके जो विचार वटांदरा होया है जड़िया पहला भी मीटिंग होंगे है प्रशासन के नाल असी जड़िया है जो भी इन्हों पिछले समय तो जो कमियां पेशियां रह गई असी इन्हों दूर करांगे और प्रोपर जड़ा है इस बार शोभा यात्रा हैगी बड़े सुचे ढंग के नाल असी जो मैनेज करांगे। देखो अल्टीमेटली जो भी इन्हों डिमांड्स है जो भी है असी जो कमियां पेशियां पूरियां कर दें। घट्टो घट्टी भाई जी इस बार 2022 की जी शोभा यात्रा निकाली जा रही है ना 8 तरीक न उस विषय में लैके ना घट्टो घट्ट नहीं 48 तो 50 जिहड़ियां जथेबंदियां संस्थावां साडे नाल जिहड़ियां जुड़ियां वा उन्होंने सारे ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक फैसला लिता कि जिहड़ी प्रशासन की जिहड़ी वड्डी मीटिंग लगाई जाती है सारे अफसर साहबाना दे नाल जिन्ने भी प्रशासन के जिन्हें भी नुमाइंदियां करते भावें बिजली डिपार्टमेंट तो होण भावें कारपोरेशन तो होण ना उन्हां दी मीटिंग असीं नहीं लानी क्योंकि पिछले काफ़ी सालों तो देखते आ रहे जो इन्हों मीटिंग लगाने कोई भी काम तो खरे नहीं उतरते कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं हल होंगी कोई बिजली की समस्या नहीं हल होंगी जे होना ही कुछ नहीं है तो असं इन्हों मीटिंग लानी क्यों इस करके इन्होंने नुमाइंदगी करते जगमोहन भाई ने साडे सत्कारयोग साडा भरा वा साडे वीर आ उन्होंने भेजा से DCP साहब न कि जिहड़ी मीटिंग आ साडी सुन गए पर असी सारे ने फैसला उन्होंने सामने लाइव लिता कि असी कोई भी जिहड़ी प्रशासन की मीटिंग आ असी उन्होंने बाइकाट करते हैं ना असी उत्थे जाना वा साडियां जिहड़ियां मंगां वा साडे जिहड़े लैटर हैड आ उह बना के असी इन्हां नूं पा देवांगे जिहड़ियां सानूं चीज़ां चाहीदियां जे अगर उहदे उत्ते खरा नहीं उतरदा प्रशासन जे रोडां दे उत्ते कोई दिक्कत आउंदी आ जां कोई एक्सीडेंट हुंदा जां कोई शराब दे ठेके खुले मिलदे आ जां मीट दीआं दुकानां खुल्लियां मिलदियां उहदा जिहड़ा जिम्मेवार आ उह प्रशासन होएगा जिला क्योंकि हर साल असी उहनां नूं कह कह थक गए कि इह चीज़ां नूं बंद कीता जावे उह खास तौर ते नहीं कदी बंद हुंदियां 2 दिन दा सिर्फ टाइम मंगदे सी ठेके बंद दा 2 दिन इहनां कोल ठेके बंद नहीं हुंदे ते जिहड़ियां साडी जिहड़ियां जथेबंदियां पहुंचियां सारियां सत्कारयोग आ। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया जिसमें मुख्य यजमान मोहित खन्ना एवं श्रीमती प्रीति खन्ना द्वारा रशिका खन्ना के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर तथा वेद कुमार भाटिया श्रीमती जगदीश भाटिया के सुपुत्र प्रतीक भाटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान की गई। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री जी ने पवित्र पावन यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र आर्य व सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना श्रीमती रेवा खन्ना सुनीता भाटिया डिंपल भाटिया ओम प्रकाश मेहता ईश्वर चंद्र रामपाल रहमत भाटिया रूहानी भाटिया भूपेंद्र उपाध्याय चौधरी हरिचंद राहत भाटिया नलिनी उपाध्याय विजय चावला अनिल कोहली हनीश खन्ना अनिल मिश्रा अमित सिंह ज्योति सिंह प्रमोद तिवारी पुष्पा देवी अमरनाथ कुबेर शर्मा पूनम मेहता गौरव आर्या पवन महाजन कृष्ण कुमार सूद ऋषु सूद ललित मोहन कालिया कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। उस परिवार में तो हमेशा खुशियां ही खुशियां आती है तो इस सत्संग का वातावरण आज हमें अपने घरों में बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्ये यशोबलम् कि जिस घर में माता पिता की सेवा होती है बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन होता है उस घर में हमेशा खुशियां आती है और जिस परिवार में बच्चे ऐसे करते हैं उनके अंदर 4 गुणों की वृद्धि होती है आयु विद्या यश और बल। तो आज हमें ये वातावरण अपने घर के अंदर पैदा करना है। आचार्य जी ने बहुत ही कम समय में हमें बहुत ही अपने कीमती शब्द बताए। ये माता पिता के संस्कार ही हैं, ये हमारे सम्माननीय भाटिया जी बैठे हैं, सम्माननीय खन्ना जी बैठे हैं, आज इनकी तीसरी पीढ़ी जिसका जन्म दिवस है वो भी अपने माता पिता और दादा दादी के साथ आए हैं। और भाटिया जी के परिवार में जैसे देखिए शुरू से ये धार्मिक परिवार है, धार्मिक आयोजन कराते रहे हैं और समाज की सेवा करते रहे हैं, उसी के कारण आज बच्चे पढ़ाई में बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
नाम दी चढ़ी कुमारी, ओम नाम दी चढ़ी कुमारी, मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी, मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी, ओम नाम दी चढ़ी कुमारी, मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी, ऐसा रंग जमाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर फतेहपुरा मोहल्ला में 5 दिन स्थापित करने के पश्चात गणपति बप्पा जी का विसर्जन किया गया। इस दौरान मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली की ओर से भजन कीर्तन किया गया एवं होली खेलकर गणपति बप्पा मोरया के जय घोष लगाए गए, जिसके बाद भगवान गणपति जी की मूर्ति को ब्यास दरिया में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर मनोरमा खन्ना, सोनिया खन्ना, डेजी खन्ना, चहक खन्ना, वाणी खन्ना, समर्थ खन्ना, कृष्णा खन्ना, पूनम, अनीता, ममता ठाकुर, कपिल खन्ना, काकू खन्ना, नीरज, कोमल, रजनी खन्ना, शक्ति खन्ना, परमजीत सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। चौदस के दिन लगने वाला श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का मेला बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। इसी के तहत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु पहुंचकर मंदिर प्रांगण में नतमस्तक होकर श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। वहीं मेले में आने वाले भक्तों और बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉल एवं झूले भी लगाए गए हैं। इस दौरान प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जी पतीला ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसे चड्डा बिरादरी के प्रधान विपन चड्डा बब्बी और चेयरमैन श्यामलाल चड्डा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सौरभ शर्मा, रमन शर्मा, यशपाल ठाकुर, मोहिंद्र प्रभाकर, रवि मरवाहा, ओम प्रकाश सप्पल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की। अज बड़ी खुशी की गल है, मेले का आगाज अज 4 तरीक तो शुरू हो गया। मेला का रश पैना, भक्तों का रश पैना शुरू हो गया। अज मंदिर दे मत्था टेकन लई साडे कमेडियन एक्टर पतीला जी बाबा सोडल दरबार च नतमस्तक होने लई आए आ। असीं धन्यवाद करते हैं संदीप हलचल वालियां दा जिहड़े पतीला जी बाबा जी दरबार मत्था टिकाने लैके आए। जय बाबा, जय बाबा सोडल जी की। अज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है कि साढ़े श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर जिस तरह की 3 दिन का मेला लगता है अज देखा जा रहा 9 तरीक का मेला और अज भी बाबा जी का भव्य मेला शुरू हो चुका है। श्रद्धालु बड़ी संख्या च आ रहे हैं और मैनू उम्मीद है कि ये 11 तरीक तक मेला बड़े ही सुचारू ढंग में चलेगा। और चंडा बरादरी और श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट अपना जिस तरह भी हर साल की तरह श्रद्धालुओं वास्ते जो भी सेवा का मौका दिते हैं श्रद्धालु असं उन्होंने सेवा करते हैं और असी सारे ही श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आके बाबा जी के नतमस्तक होवो और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। अज साडे को श्री संदीप पतीला जी आए कमेडियन एक्टर जिस तरह की बहुत ही खुशी वाली गल है और असं इन्हों ये भी कहा वा कि सवेरे 9 तरीक में जो 10 बजे चंडा बराजी और सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट का हवन है तुम उस भी आओ जिद थोड़ा जहा उ भी अपना प्रोग्राम फिट करके जाओ पता लगे दुनिया को
ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਗਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। जीरा के कस्बा मक्खू के डॉक्टर रंजीत सिंह चौक में गत रात्रि भरे बाजार में चली गोलियां, एक राहगीर गोली लगने से हुआ घायल। तरनतारन के पट्टी क्षेत्र के गांव ठकरपुर में चर्च में हुई बेअदबी की घटना को लेकर जालंधर बिशप हाउस में सैकड़ों की संख्या में क्रिश्चियन भाईचारे के लोग हुए इकट्ठा, कैंडल मार्च निकालकर किया रोष प्रदर्शन। श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर में श्री राधा अष्टमी उत्सव का किया गया आयोजन, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।